हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे 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 राधे। तो गाइस, आज का व्लॉग आपको पूरा मिलेगा, फुल डे व्लॉग। तो गाइस, अब हम बैठे तो गाइस देखो, कहते हैं हमारे यहाँ पे कि जो कढ़ाई में खाता है उसकी शादी में बारिश आती है। तो यानी कि इसकी शादी में बारिश आएगी, सबसे ज्यादा दिक्कत किसे आएगी? हमें आएगी ना, इसे थोड़ी आएगी। गाइस, मेरा भाई सबकी हाइट नाप रहा है। कौन से खेत में जा रहे हैं? हमें कलर हेलो। तो गाइस, अब हम पापा से लोकेशन ले रहे हैं खेत की। तो गाइस, अब देखो हम पहन रहे हैं जूते, ये अब क्योंकि खेत में जाने के लिए जूते पहने ज़रूरी है। ये देखो मम्मी ने भी पहन लिया। तो गाइस देखो, ये हमारा खेत है और इस खेत के बीचों बीच हम दो छोटी सरकार है ना। तो फाइनली हम सब बिछड़ के फिर मिल चुके हैं। मुक्कू राधे राधे करो सबको। राधे राधे। तो गाइस, हमने पापा को गाइस हमने पापा को आज जोश से कहा था कि ये पूरा खेत खाली कर देंगे, लेकिन हमें सच में सीरियसली हमें नहीं पता था कि खेत ये है। तो गाइस, अभी इतना काम हुआ है और ये अभी और बना रहे हैं। सब लग रहे हैं अपने अपने कामों से, बिल्कुल। आप देख सकते हो, नन्नू अपने घूमरा वजह से हेलो हे लगा। तो गाइस देखो, हमने इतना सारा ये कपास निकाल दिया है। ये देखो, यहाँ से लेके वहाँ तक पहले खेत पूरा भरा हुआ था ना। ये देखो पापा, देखो पापा का तो किसी की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, ये दो हमारी घर की स्त्रियाँ, दो लक्ष्मी, तीसरी लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। तो भाई सब लग रहे हैं, लग रही है। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर चल के मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा खेत। हाय, डिस्कवरी वाली फीलिंग आ रही है, सही बताऊँ तो। ओ माय गॉड। हाँ, ये देखिए, ये पूरा कर रखा है यहाँ से और हम वहाँ पे हैं। मतलब हमें ये करना है कंप्लीट। चलो देखते हैं क्या हम कर पाएंगे। हेलो गाइस, तो अब देखिए मम्मी के पास चल रहे हैं। मम्मी को देखिए, हे भगवान, मम्मी क्या कर रही हो? मुक्कू भाई दूर रह, दूर, यहाँ पे युद्ध चल रहा है। तो गाइस देखो, अब हमने ये सारी लगभग सी इनको पाड़ के और घेर दी है ये सारी, और अब इनको करेंगे सेट बिल्कुल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ हाँ, सुखाने के लिए, क्योंकि घर पे इतनी तेज़ धूप नहीं आती जितनी तेज़ खेत में आती है। तो ये लगभग से 3-4 दिनों में मेरे ख्याल से सूख जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। तो गाइस देखिए, खेत हमने कर दिया है। ये इतना पहले से हो रखा था और ये इतना यहाँ से लेके और यहाँ तक आज करा है। इसे शाम को करेंगे क्योंकि हो चुकी है थोड़ी बहुत धूप। और भाई मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। आई खोल मम्मी। तो गाइस, काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, हमने इतना सारा खेत कर दिया। और वैसे सही बताऊँ ना, तो इस खेत को देखने के बाद, इसकी लंबाई चौड़ाई देखने के बाद, मैं सोचा था मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हो गया, काफ़ी हो गया। ये देखो पूरा खेत साफ है, यहाँ से लेके और वहाँ तक हमारा खेत है। ये थोड़ा सा बच रहा है, शाम को करेंगे। चलो भाई चलते हैं घर पे। तो गाइस, इसमें मैंने आटा और चीनी मिला ली है और अब इसे कीड़ियों को डाल के आएंगे। तो गाइस चलो जल्दी दिखाती हूँ आपको एक चीज। कितनी सुंदर, चल। ये है हमारी गौरी। अब गौरी की बारी। तो गौरी इतना नखरा नहीं करती क्योंकि ये अच्छे से नहा लेती है। ये देखो। तो गाइस खेत से आके और हमने बिस्किट विस्किट खा लिए हैं और अब बताऊँ, थोड़े हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा। नहीं है तो थोड़ी देर हम सोच रहे हैं, हवा चल रही थी हल्की हल्की, तो थोड़ी देर राधा को बाहर ही रहने देते हैं। और ये है राधा की मम्मी गौरी। गौरी का देखो पूरा कितना सुंदर ठाण उस रखा है। एक गोबर बच रहा है, एक गोबर खेल बाहर घेर के आनी है। ये देखो कितना अच्छा ठाणूस रखा है हमारी गौरी का। मेरी मेहंदी कितनी सुंदर है ना वैसे।
लगाई भी तो किसने है, कितनी प्यारी है देखियो। गाइस कल की भी मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली थी, नहीं कल संडे था, सॉरी कल संडे था, और आज की मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली है। तो कल हमने खाए थे चावल, चटनी और चने की सब्ज़ी, ये सब चीज़ें खाई थी। तो आज मेरा कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है, जिससे ताकत मिले। मम्मी आप बताओ आपको क्या खाना है? हरे धनिये की चटनी। बता विशु तुझे क्या खाना है? कुछ यम्मी एंड टेस्टी सा। तो भाई इससे मैं अब नहीं, मतलब ये जो भी बताएंगे वैसे मैं नहीं बनाने वाली, छोड़ो। बहुत बहुत अच्छा वाला टेस्टी सा। गाइस चलो अब मैं मेन्यू बता देती हूँ। तो मम्मी के तो हाथों में बहुत सारे फाले हो रहे हैं, देखो गाइस। मम इसमें कैमरे में से ज़्यादा दिखेंगे नहीं, लेकिन मम्मी के हाथ में सच में बहुत ज़्यादा फाले हो चुके हैं। तो मम्मी इज़ नॉट एबल टू डू, मतलब रोटी बनाने की मम्मी वो नहीं है कामयाब। इधर आ, तो वही गाइस तू बनाएगी रोटी, से बंद कर, तू बनाएगी रोटी ठीक है। तो गाइस मैं बनाने वाली हूँ एक तो सिंपल सा रायता, सिंपल सा बिल्कुल, ये सिंपल चीज़ें बनाती है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं है। हाँ, हरे धनिये की चटनी और प्याज टमाटर की चटनी जो कि मैंने उस दिन बनाई थी, सिंपल सी। तो गाइस ये इतनी गंदी लट है ना, ध्यान से आप इसको, ध्यान से आप इसको देख लो और इसको अपने आसपास भी मत भटकने देना, मतलब टच भी नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले मम्मी की हल्की सी टच हो गई थी, फिर एक दिन से मम्मी ऐसे हट गई, लेकिन इसने अपने इतने ज़्यादा बाल छोड़ दिए, इतने ज़्यादा, मैंने वो एक एक प्लक कर से हटाए, प्लक करे सारे बाल। भाई बहुत गंदी ये लट है, बहुत बुरी खुजली, इतनी बुरी खुजली होती है। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ बदन पे से, नहीं नहीं नहीं, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी लटों से थोड़ा बचकर रहें, थोड़ा सतर्क सावधान रहें। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो मम्मी के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इतनी ज़ोर से लट खा गई थी वो, इसकी पकड़ 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 गाइस देखो, हम तो इसका पानी पीते हैं। अरे कहाँ गया, इस वाले का पानी ज़्यादा अच्छा है। गाइस हमने एक नौकरानी रख ली झाड़ू पोछा करने के लिए। हाँ हाँ, ये सिर पे भी मारती है झाड़ू। इस देखो पापा 3 दिनों से बाजरे वाले खेत में जा रहे हैं और पापा करके लाए हैं ये इतना सारा काम, और घर पे लेके आते हैं और फिर मम्मी करते हैं इनकी चूटनी। तो ये है इन दोनों का प्यार। तभी गाय खा ली ये 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 चारा गाय खा, हाँ ये चाय गारा खा, ये चारा मैं चाय, ये चारा गाय खा लेगी और ये हम निकलवा लेंगे, ये हम निकलवा लेंगे थ्रेसर से, जो कि मुझे कल ही पता चला है कि ये थ्रेसर से निकलते हैं। मैंने सोचा हाथ से निकालने पड़ेंगे, पर मम्मी ने मुझे कल ही बताया था, क्योंकि है ना हमारा पता हमेशा से शहर वाला बैकग्राउंड रहा था, हम हमेशा से शहर में रहते थे, अभी हाँ गाँव में आए हैं। पहले तो देखो मेरी मम्मी का जो मायका है वो शहर का, दूसरी बात फिर जो मेरी मम्मी की पोस्टिंग थी वो भी शहर में ही थी, और अभी अब गांव में आए हैं कुछ 3-4 सालों से। गाइस यह बना ली अपनी प्लेट, हरा धनिया की चटनी, प्याज टमाटर की चटनी, दही, और वहाँ मेरी भाण बना लाग रही है उठ बैठी बैठी रोटी। तो यह है चटनी, गजब है गजब। और यह मम्मी की थाली, मम्मी कही मैं दही ना लूँ। और यह देखो हरा धनिया की चटनी के कलर देखो एक बार कलर, बहुत दिनों बाद इतना मज़ा आ रहा है रोटी खाने में, तो मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था आज मैं चटनी वगैरह बनाऊँगी, ये रही हमारी चटनियाँ। होटल में जाके कितने पिज़्ज़ा वगैरह खा लें, इससे ज़्यादा टेस्टी और कुछ भी नहीं है, कसम से बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी। तो गाइस रोटी खाने वाली और रोटी बनाने वाली दोनों गले बैठ कर हम खाएंगे रोटी। भाई विशु सच में बहुत मज़ा आ रहा है, और पता सब्जी ना बनाने को मेरे कितने बड़े डिसीजन थे। गाइस मैंने पहले कर सब्जी बना, और गाइस आज शाम को हम करेंगे इस चीज़ पे कार्रवाई, मैं और मम्मी बनाएंगे आज अरे क्यारियाँ,
और फिर बीज ला के फिर हमने लगाएंगे धनिये के बीज। तो गाइज अब हम खाएंगे वाली चॉकलेट जो कि बहुत टेस्टी है। मम्मा आप अभी क्या कर रहे हो? तो मैं जीरा चुग रही हूँ। इस समय क्या है कि जीरे में कोई लट है, कोई काम हुई है, क्या होते छोटे छोटे तीन के। सो गाइज अभी हम करते हैं ब्लॉग को एंड, और आप सभी को राधे राधे।